खबर एमपी के इंदौर से है, जहां इंदौर में 6 घंटे पहले शहर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक को सुबह उसी की दोस्त ने धारदार चाकू से हमला कर घायल कर दिया। युवक सुबह घर पर सो रहा था, उस वक्त नाबालिग लड़की उसे मिलने का कहकर घर से बाहर बुलाकर ले गई, जिसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर नाबालिग ने तैश में आकर युवक पर गाड़ी के की चेन में लगे चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में युवक को MY ले जाया गया, जहां युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। संयोगितागंज पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार सुबह नेहरू स्टेडियम के नजदीक रहने वाले सुमित धूलिया उम्र 27 वर्ष के साथ हुई है। सुमित डॉग्स ब्रीडिंग का काम करता है। सुमित के पिता जीवनलाल CISF में कांस्टेबल हैं और गाडरवाड़ा में पदस्थ हैं। सुमित का बड़ा भाई रोहित नगर निगम के वार्ड 62 में दरोगा के पद पर है। घटना की जानकारी देते हुए रोहित ने बताया कि सुबह 7 बजे के लगभग सुमित की नाबालिग दोस्त उससे मिलने घर आई थी। उस समय सुमित घर पर सो रहा था, लेकिन लड़की ने उससे बहुत जरूरी काम की बात कहकर उसे उठाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों बात करते करते घर से थोड़ी दूर गए। दोनों का किसी बात पर विवाद हो गया। नाबालिग ने गाड़ी के की चेन में लगा चाकू निकालकर सुमित पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गई। घटना की जानकारी परिवार को लगी तो उसे इलाज के लिए MY अस्पताल लेकर गए। परिवार ने बताया कि सुमित और लड़की के बीच दोस्ती थी, लेकिन 6 माह पहले सुमित ने उससे बात करना बंद कर दिया था। लड़की सुमित से बात करने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। 2 दिन पहले भी देर रात 1 बजे युवती सुमित से मिलने घर आई, लेकिन सुमित अपने दोस्तों के साथ महाकाल दर्शन करने गया था। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की पलासिया इलाके के सेंट रेफियल्स स्कूल के पास रहती है। घटना के बाद युवक की शिकायत पर उसे हिरासत में ले लिया गया है।